आप सबको स्वागत है। आज हम 31 जुलाई की श्रमदान लास्ट डेट इस महीने की हम यहाँ पहुँच चुके हैं आप सबके सहयोग के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम सदा और को वरदान देते रहें, लेकिन वरदान देने से पहले हमें स्वयं वरदानी मूर्त बनना बहुत जरूरी है। मतलब कि परमात्मा तो हमें वरदान देते हैं, लेकिन हमें अगर किसी और को वरदान देना है, किसी का भला चाहना है, किसी की तरक्की चाहनी है, तो फिर हमें स्वयं वरदानी मूर्त होना पड़ेगा। हम चिंता में आकर के, टेंशन में आकर के, एंग्जाइटी में आकर के किसी को अगर हम वरदानी आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़ो, भला करो, तो हम बोलते तो अच्छा है, लेकिन अगर उसके बाद हम चिंताएं 10-15 बारी करते हैं तो हम वरदानी मूर्त नहीं बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सदा बाप समान बन, अपने स्वप्न अपने संपन्न स्वरूप सॉरी द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भवा। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप, अपने कंप्लीट स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भवा। भारत में विशेष देवियों की को वरदानी के रूप में याद करते हैं, तभी दिखाते हैं ऐसे कि देवी देवता ऐसे खड़े होते हैं, उनको वरदान ही वरदान दे रहे लोगों को, है ना, जो इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हो, मतलब परमात्मा के समान और परमात्मा के समीप। जब तक हम किसी के समीप नहीं होते तब तक उनका संघ का रंग नहीं चढ़ता। तो हम परमात्मा से कितने समीप हैं, हम परमात्मा को दिन भर उनके ज्योति स्वरूप कितना याद करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ करके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पहला, अपने आप को आत्मा समझ करके। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते। मतलब कभी हमारा मूड ऊपर हुआ, परमात्मा के समान हम सारे गुणों में, जैसे कि हम देखते हैं कि आत्मा जो होती है जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो सारे सातों चक्र को फैलाना शुरू करती है, मतलब अपनी एनर्जी को सारे बॉडी में फैलाती है और उसके द्वारा वो कर्म करती है। सबसे पहला हो गया आपका बेस चक्र जो पावर का हो गया, फिर सेक्स चक्र हो गया प्योरिटी का, हो गया प्रोक्रिएशन का प्योरिटी। सेकेंड हो गया आपका संतुष्टता या हैप्पीनेस, उसके बाद में आपका आ गया प्रेम, फिर शांति, फिर ज्ञान, स्व का ज्ञान कि मैं कौन हूँ, और फिर वो सब कुछ जब मिल जाए तो आनंद। मतलब सारे चक्र सारे एनर्जीज अगर हम ज्ञान के द्वारा स्टेबलाइज करते हैं तो हम आनंद में रहेंगे। अगर हम शक्तिशाली महसूस नहीं करते हैं, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है औरों के बारे में, हम संतुष्ट नहीं अपने जीवन से, कुछ नहीं है हमारा, सबके प्रति प्रेम एक समान नहीं है, किसी से हेटेड है, किसी से वैर है, और अगर हमारे अंदर शांति नहीं है, किसी से हम गुस्से से बात करते हैं, काम नहीं हुआ किसी से मतलब है तो हम प्यार से बात करते हैं, तो ये इम्बैलेंसेज हैं सारे के सारे। और अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, हम कभी कभी मैंपन में आते हैं, मेरेपन में आते हैं, मेरे तेरे में आते हैं, तो हम आत्मा नहीं समझते हैं और फिर हम आनंद में कैसे रहेंगे, तो ये बाप समान तो नहीं हुआ। तो परमात्मा कहते हैं मैं भी एक आत्मा हूँ लेकिन मेरे पास में शरीर नहीं है, लेकिन तीनों लोगों का मैं भी मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास में ये लोभ नहीं कि मेरे पास में एक और अर्थ हो जाए, मेरे पास में एक और पृथ्वी बन जाए। ये पृथ्वी है, ये तीन लोक हैं, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, बच्चों को ज्ञान देने आता हूँ, बच्चों को मुक्ति देता हूँ, इसी में मेरी संतुष्टता है, तो हमारी किस्मत होनी चाहिए, सोचने की बात है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हों। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, कभी मूड ऊपर हो गया, कभी मूड नीचे हो गया, कोई बाहर की सिचुएशन, बाहर पांच तत्वों की सिचुएशन, किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा मूड ऊपर नीचे हुआ, इसका मतलब हम बाप समान नहीं हैं अभी तक, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को अगर कोई ब्रेक लगाता है तो हमारे अंदर गुस्सा या ईर्ष्या घृणा नफरत आती है, और जिस कारण से हम अपने खुशी के लेवल को परमात्मा के जैसे स्थिति की खुशी के लेवल को हम गिरा देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं क्योंकि बाप पुरुषार्थी नहीं तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ ही नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है, परमात्मा तो संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त, कि जब हम परमात्मा के समान रहेंगे तब जाकर हम किसी को मदद कर पाएंगे, किसी को हम आध्यात्म की तरफ ले पाएंगे, कभी हम किसी को परमात्मा से जोड़ पाएंगे। तो हमारे गुणों के द्वारा हम परमात्मा से और को जोड़ सकते हैं। हमारे अंदर गुण नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो और लोग भी हमारे साथ में संतुष्ट खुश नहीं हो सकते, सिंपल सी चीज़ है। तो कैसे बने संतुष्ट खुश, ये परमात्मा पिता हमें ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाते हैं। आप भी आइए और इस विद्या को